हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल। गाइस, जैसे कि आप लोग जानते हैं, एसटेट 2019 एग्ज़ाम 16 तारीख का एग्ज़ाम आपका हुआ है, यानी कि आज आपका एग्ज़ाम हुआ है। तो हम लोग आंसर की डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी के ऊपर मैंने आंसर की बना चुकी है और धीरे धीरे मैं और सब्जेक्ट पर भी आंसर की बना रहा हूँ। आप लोग जानते हैं आंसर की बनाना जो है इतना आसान नहीं है, तो उसमें डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। हिंदी की मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, इंग्लिश की हम लोग देखते हैं। ठीक है, फटाफट देखते हैं। चूज द करेक्ट सेट ऑफ आर्टिकल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैक ब्लैंक स्पेस। द टीचर रोट डैश आउटलाइन ऑफ अ स्टोरी ऑन ब्लैक बोर्ड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी आंसर। ठीक है, एंड द आई होप आप इसका आंसर बी ही करके आए, यानी सेकेंड दूसरा आंसर। ठीक है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म इन द फॉलोइंग सेंटेंस अगेंस्ट द ब्लैंक स्पेस सो एज टू कंप्लीट द सेंटेंस। देखिए, माई फादर डैश फॉर दिल्ली डैश फॉर दिल्ली स्टडी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी है, यानी कि तीसरा आंसर। ठीक है, 48 का आंसर देख लेते हैं। 48 का आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, मस्ट आंसर। ठीक है, 49 देखते हैं। अ कूल ब्रेज ब्लू फ्रॉम द सी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 49 का आंसर हो जाएगा तीसरा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा कूल। ठीक है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा 49 का तीसरा, यानी कि कूल। ठीक है, कूल तीसरा आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाउन। 54 सॉरी, यानी कि थोड़ा ये देख लेते हैं, ये रह गया थोड़ा। 50 है, 50 क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। 50 यानी कि 50 का आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंड, यानी कि सेकेंड इसका आंसर प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक है, आई सी हिम पासिंग माई हाउस एवरी डे, प्रेजेंट पार्टिसिपल। 51 देखते हैं। आइडेंटिफाई द कंपाउंड वर्ड फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, 51 का आंसर क्या हो जाएगा? 51 का आंसर हो जाएगा वन। ठीक है, डेवलपमेंट। फिल द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रीपोजिशन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? आई होप आप इसका आंसर सी करके आएंगे, यानी तीसरा आंसर। ठीक है, ऑन। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज द ऑप्शन गिवन बिलो इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ इन्फिनिटिव वर्ब। 53 का आंसर क्या हो जाएगा? पहला। ठीक है, पहला आंसर फर्स्ट। 54 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट अ नाउन। 54 का आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? फोर्थ आंसर। ठीक है, फोर्थ आंसर, नाइस। चूज द वर्ड विच इज स्पेल्ड करेक्टली। 55 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर। ठीक है ना, ठीक है, बिगिनिंग। ठीक है, ये आंसर ये होगा। ठीक है, बिगिनिंग स्पेलिंग ये होगी। विच ऑफ द ऑप्शंस गिवन बिलो इज द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस द भगवद गीता प्रेजेंट अ बैलेंस्ड फिलोसफी ऑफ लाइफ। ठीक है, 56 का आंसर क्या हो जाएगा? 56 का आंसर हो जाएगा फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट। उसके बाद देखते हैं 57 का, रीडिंग इंप्रूव्स योर नॉलेज। 57 का आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड। ठीक है, इसका क्या आएगा? रीडिंग। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं 58 का देखते हैं। 58 का ही सेड कॉन्ग्रेचुलेशंस। 58 का आंसर क्या है? फर्स्ट। ये आंसर आप सही करके आएंगे। उसके बाद देखते हैं 49 देख लेते हैं। 59 देखते हैं। 59 का सेकेंड आंसर है। ठीक है, 59 सेकेंड आंसर। ठीक है, और 60 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स अंडरलाइन इन द सेंटेंस गिवन एज ऑप्शन हैज बीन यूज एज अ वर्ब। 60 का आंसर देखते हैं थर्ड। ठीक है, ईच एक्टर परफॉर्म इन अ सर्कुलर स्पेस ऑन द स्टेज इन रास लीला। ठीक है, ये हमारी इंग्लिश की आंसर की होगी। आई होप आपके सारे आंसर करेक्ट होंगे। ठीक है, आई होप आप सिलेक्शन जरूर लोगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।